इन्हें जानिए। हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी गोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अच्छा तुम ब्लॉक गए थे क्या? जी चाची, लेकिन वहाँ इसको कुछ खाद मिला नहीं। क्यों, क्या हुआ? चाची हम दो बोरा के लिए गए थे, लेकिन वो एक ही खाद का बोरा दिया। एक ही बोरी दी? नमस्ते माँ जी। आइए, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? आप लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? लो सुन लो अपनी आंटी की बात, स्वागत करने से पहले ही शो कॉज नोटिस थमा दिया। अंकल अब नोटिस आपको मिला है तो जवाब भी आप ही दीजिए। मी लॉर्ड, गाड़ी की सर्विसिंग कराने की वजह से हमको देर हो गई। हम कोई फिल्म या नाटक देखने नहीं गए थे। अच्छा, तो एक फोन तो कर ही सकते थे ना आप हमको। अरे मैडम, वो फोन तो आप भी कर सकती थी। जरा अपना फोन चेक तो कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फोन किया। देखो, देखिए। ओहो, मेरे फोन की तो बैटरी पूरी डाउन हो गई। अंकल अगर आप हमें बता देते कि आपने आंटी को नहीं बताया है तो हम ही कॉल कर देते आंटी को। हाँ हाँ, अब सारा घड़ा मेरे ही सिर पे फोड़ दो ना। बस बस, अब किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा लीजिए चाप। अच्छा बेटा, अगर मुझे कल कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें फोन करूँगा। जी बाबूजी। खुश बेटा, खूब मन लगा के काम किया करो, दिवाली में अंकल तुम्हें अच्छा सा तोहफा देंगे। जा बेटा घर जा। नानी जी, आपका टहलना तो हो गया, आज हमारी इवनिंग वॉक लगेगी। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऑटो से घर चली जाओ, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुई। अच्छा ही तो किए, जब दोनों को साथ आना था तो ये अलग क्यों आती? ठीक है मखनी जी। चलिए आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूं। रहने दीजिए, मैं और नेहा शाम की चाय पी कर आए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, हम बैठते हैं वैसे। हाँ बैठिए। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक, आइए माँ जी आप बैठिए। हाँ बेटा आप बैठो। हाँ जी, देखो जनरल स्टडीज के लिए हम इंडियन इकोनॉमी की बुक लाए हैं। इस राइटर की ये बुक ना तुमने पढ़ी थी ना मैंने पढ़ी थी। अरे वाह, ये बुक लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। पता है इस किताब को ढूंढने के लिए कितनी दुकानों पर भटकना पड़ा। वैसे इस समय जो भी पढ़ो ना वो कम ही लगता है।
ये तो सच कह रहे हो, समझ ही नहीं आता क्या क्या पढ़े। वैसे मैंने भी कुछ किताबें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। हाँ, कौन कौन सी? आएगी तो देख लेना। क्या हुआ, तुम अचानक से खुश होते होते उदास हो गए? मैम, कभी कभी ना मुझे बहुत प्रेशर फील होता है। अरे पापा, अवतार प्रेशर फील मत करो, एग्जाम करीब है। एग्जाम तो है ही, पर फैमिली का प्रेशर भी बहुत आ रहा है। निया, मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। अरे, तुम्हें हमारी इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ गई? जरूरी है। तुम कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। After all, we are friends, यार। Thanks, नेहा। हाँ, पूछो ना। दरअसल मैं तुमसे। नेहा भैया, जरा अंदर तो आना। ये बुक तुम अपने पास रखो, हमें आंटी बुला रहे हैं, हम जाते हैं। इसे मैं बाद में देखूंगा, पहले इस खूबसूरत नजारे को जी लेता। हम लोग अपनी जिंदगी में कितने उलझे होते हैं ना, इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। सृष्टि तो एक खुली किताब है, जिसे ना पढ़कर हम अपनी जिंदगी को एक बंद किताब में खपा देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मन मुझसे दूर होता जा रहा है? प्यार करो विश्वासों से, जज्बों से, एहसासों से। आ गई। कैसे पता चला कि मैं आ गई? ना तो हमने पांव में पायल पहनी है कि जिसकी आवाज आए, और ना तुमने पीछे मुड़ के देखा। आहट, अनसुनी आहट को भी सुना जा सकता है। नेहा, आकाश में क्या देख रहे थे? मैंने किताब में पढ़ा है कि लव रखते हैं बंद, जुबान नहीं खोलते। लव रखते हैं बंद, जुबान नहीं खोलते। चांद के सामने तारे नहीं बोलते। वाह 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 वाह, क्या बात है अवतार बाबू, क्या बात है। बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ तो हमें कोई चांद नजर नहीं आ रहा। चांद को कभी चांद दिखाई देता है? अच्छा, इस प्लेट में क्या है? हाँ, ये आज के डिनर में अवतार स्पेशल पनीर टिक्का पेश किया जाता है। डिनर प्लेट में? ये स्टार्टर है, वो तुमने आंटी को बोला था पनीर टिक्का के लिए, तो उन्होंने बना दिया,
और मुझे टेस्ट करने के लिए बुलाया था। तो कैसा बना है? हमने टेस्ट नहीं किया अभी, हमने सोचा पहले तुम्हारे लिए ले चलते हैं। तो तुम मेरे लिए यहाँ ले आई? हाँ, हम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए? हाँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ खाने में? प्रॉब्लम? और हम दोनों तो, ये क्या पहेली है? बात अधूरी क्यों छोड़ देते हो? सवाल का जवाब दे। कुछ बातों को ना वक्त पर छोड़ देना चाहिए। क्या तारों को मैसेज कर रहे हो? सूरज को कर रहा हूँ। कब आओगे? घर में भाभी है नहीं, ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। अरे तभी तो बिजी रहते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, ताला लगाना, खुद खोलना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सोच रहे थे कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है। समय भाग भी रहा है और बदल भी रहा है। हाँ, भागे बगैर कुछ बदलता भी तो नहीं है ना। लेकिन अचानक आपके मन में ऐसा क्यों आ गया? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, बस हम सोच रहे थे कि ऐसा लगता है कि जैसे कल ही हम वाराणसी से यहाँ आए हैं, और अब देखो बरसों हो गए हम इस घर में रहते हुए। ये मेरा घर है, तो क्या आपका घर नहीं है? हाँ नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मतलब बेटी के घर में। माँ एक बेटे के घर में रह सकती है, तो क्या बेटी के घर में नहीं रह सकती? मेरे हिसाब से माँ जी रिश्तों को इनके उनके घरों में बांटने की बजाय रिश्तों को दिलों में रखना चाहिए। हमें अपने भाग्य पर बहुत गर्व कि ईश्वर ने हमें हमारी बेटी के लिए आप जैसा दामाद दिया। माँ जी भाग्यवान तो मैं हूँ जो लक्ष्मी के रूप में मखनी जी हमारे घर आई। उनके आने के बाद तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अशोक आ गया। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम, खुश रहो बेटा। प्रणाम नानी। क्या बात है, आज रात्रि भ्रमण के लिए निकले हो? कोई जरूरी काम है? चाचा जी वो अवतार का फोन आया था। हाँ
कहाँ है वो? अरे वो छत पर है, पढ़ाई कर रहा है। छत पर? हाँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ उसके पास। हाँ जाओ बेटा, मिला हूँ। माँ जी। हाँ जी। आपने अपनी दवाई वगैरह खाई? हाँ जी, खा ली दवाई। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज हमें बता दीजिए। अरे तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? पहले का भी ऐसे ही पड़ा है, क्या चिड़िया चुनमुन के जैसा चुग रहे हो? अरे हम तो खा ही रहे हैं, पर ये चिड़िया चुनमुन की तरह चुग रही है। लो खा लिए, और बताओ। नहीं जबरदस्ती नहीं है, मन ने तो खाओ। अरे मम्मी आप हमेशा बनाती रहती हैं, आप भी खाइए। अरे नहीं नहीं यार। अरे लीजिए, अरे सबको खिलाती रहती हैं, चलिए अगर आराम से। गुड। पनीर टिक्का आपकी डिमांड थी, अपनी पसंद के साथ सम्मान करना सीखो और उसका न्याय करना सीखो। मैडम अगर अभी पनीर टिक्का खा लेंगे ना तो आपको डिनर में क्या खाएंगे? हाँ, ये भी सही है। अरे नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्कार। प्रणाम। अशोक बेटा एकदम सही समय पे आए हो। अरे मम्मी समय कहाँ है इनके पास, है घर में भाभी है नहीं, ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। अरे तभी तो बिजी रहते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, ताला लगाना, खुद खोलना। अरे भाई साहब के लिए ना मनुहार करना पड़ता है कि भाई साहब आ जाइए यहाँ पे एक बार। बस 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 तुम रहने ही दो, जैसे तो तुम बुलाओगे नहीं और हम आएंगे नहीं। आखिरकार चाची ये मेरा भी तो घर है। हाँ हाँ अशोक बेटा ये तुम्हारा भी घर है, जब मन तब आया करो। खाओ ना बेटा। अरे खिलाओ, तुम खिलाओ से। अरे यार थोड़ा सा हद करते हो, खा के देखो। अरे खाओ। कमजोर होते जा रहे हो भाभी जब से गई हैं। चलो। अरे मैंने जैसे तुम्हारा मैसेज पढ़ा मुझे लगा कोई बहुत जरूरी बात होगी, अब बताओ क्या बात है। अशोक जी आज अवतार स्पेशल पनीर टिक्का बना है, इसीलिए इन्होंने आपको मैसेज किया था। तो खाओ ना बेटा। हाँ चाची। हाँ मम्मी अब इसके बाद हम निकलेंगे। बेटा दीपा बहू कैसी है? उसका तो शाम को ही मैसेज आया चाची। अच्छा क्या लिखा है? पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ सुना सुनाओ, बहुत अच्छी लगती है। हाँ। उसने लिखा है चाची कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ की तबीयत में भी अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अच्छा अच्छा। हंटर चाचा जी को और चाची जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हमारा भी खूब आशीष। और नानी जी को मेरी तरफ से सादर चरण स्पर्श कह देंगे माँ को हम। और तुम्हारे बारे में भी लिखा है कि अवतार को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। अरे हेलो भाभी। और लिखा है कि मुझे सबकी बहुत याद आती है, समय पर खाना खा लिया करना, बाय। बहुत संस्कारी बहू है दीपा, अपनी माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों का फर्ज निभा रही है। अरे मम्मी जब उन्हें बीमारी के बारे में पता लगा था ना भाभी को तो भागते हुए गई थी। हाँ बेटा जानती हूँ। अच्छा अशोक जी दीपा जी की बहन रूपा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, पहले इंदौर में थी लेकिन अभी उसने मुंबई में जॉब ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत अच्छा किया उसने कि मुंबई में जॉब ज्वाइन कर लिया। अशोक खाओ 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 ना अशोक। अरे ये ये लो खेलो। वाह चाची ये अवतार स्पेशल डिश तो बहुत ही स्वादिष्ट है। है ना, इसके बाद भी तुम्हें खाना खा के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं चाची मैं खाना खा के उठा ही था, बस तभी अवतार का फोन आ गया और मैं दौड़ा चला आया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन खाने पे तो साथ देना ही पड़ेगा इन लोगों का। तुम लोग खाओ, मैं तुम लोग के लिए खाना निकालती हूँ। ठीक है चाची। अरे तुम भी यार ये सब बनाते हो बता दीजिए। अरे तो बना बताते हो क्या, बुलाया था इसे हमने। हाँ। ये सब काम के लिए इतने इमरजेंसी मैसेज लिखते हो? अच्छा सबसे पहले तो हमें ये पता करना है
कि कौन है जो उनके ऊपर अटैक करना चाहता है और इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, ये धनवार छुट्टन ने कुछ झगड़ा किया? नहीं, अभी तक तो बीडी सिंह का नाम नहीं लिया है। आई डोंट थिंक ये बीडी सिंह को धनवार के धंधे के बारे में मालूम है। वो कोई पहला काम कर रहा होगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बस वही हेडक्वार्टर से आए मैसेज को लेकर परेशान हूँ। फिर कोई नया मैसेज आया था क्या? नहीं, वही हंटर अंकल पर अटैक का मैसेज। तुम क्या सोचने लगी? बस सोच रही हूँ कि अब हमें थोड़ा और अलर्ट रहना। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सामाजिक कार्यों को लेकर हंटर बाबू को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, तो अब हमें उन्हें बाहर जाने से रुकना होगा। वो माने तब ना, समाज और देश का हित उनके लिए सबसे पहले है। उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल है कि समय और समाज दोनों बदल गए, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ उनका जाना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी बहाने हम भी उनके साथ जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे बेहतर कौन कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन है जो उनके ऊपर अटैक करना चाहता है और इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, ये धनवार छुट्टन ने कुछ झगड़ा किया? नहीं, अभी तक तो बीडी सिंह का नाम नहीं लिया है। आई डोंट थिंक ये बीडी सिंह को धनवार के धंधे के बारे में मालूम है। वो कोई पहला काम कर रहा होगा। हो सकता है। हाँ, ये जीव तुम्हें दिखता है क्या? लास्ट टाइम मुझे धनवा के साथ ही दिखा था, उसके बाद नजर नहीं आया मुझे। तुम उस पर नजर रखो। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम्हारे ग्राहक वेट कर रहे हैं तुम्हारी दुकान पर। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू। अशोक भैया, आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ खेती करने आए हैं, कितना फायदा हुआ? अराधन, खेती अगर अच्छे तरीके से की जाए ना, तो किसान को फायदा ही फायदा है। अब गेहूं को ही ले लो, पहले हम गेहूं को आयात किया करते थे, लेकिन आज देश का किसान ना सिर्फ अपना, पूरे देश का पेट भर पा रहा है। और आज हम गेहूं का निर्यात करने के काबिल भी हो गए हैं। क्या बात है बाबू, क्या बात। देखो जीवूत, हमारी दुनिया में चुकी का कोई मतलब नहीं होता है, अरे हमेशा अलर्ट रहना होता है।